गोविंदगढ़ पुलिस की ओर से इन दिनों अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाया हुआ है। गोविंदगढ़ थानाधिकारी बने सिंह मीणा के नेतृत्व में अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। रविवार को गोविंदगढ़ थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट तथा क्षेत्र के हार्डकोर अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी और थाना इलाके के लगभग 3,000 लीटर शराब की वास को भी नष्ट किया गया है। थानाधिकारी बने सिंह मीणा ने बताया कि हार्डकोर अपराधियों में 3 शीटर गैंगवार में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान डोमिनेंस एरिया अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थाना इलाके के अपराधियों को टीम गठन करके पकड़ने का काम कर रहे हैं। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने आज आबकारी अधिनियम में 4, आरपीसी में आर्म्स एक्ट में 1, 151 सीआरपीसी में 5 और 7 वांटेड अपराधियों को पकड़ा गया है। आर्म्स एक्ट के तहत सोनू सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी सांथल का थाना उद्योग नगर अलवर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास एक अवैध देसी कट्टा तथा 315 बोर जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल को जब्त। आबकारी अधिनियम के तहत 4 कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी बने सिंह मीणा, मनोज यादव, राजेश यादव, अजीत यादव, गिरिराज यादव, गजेंद्र गुर्जर, देवेंद्र चौधरी, गजाधर चौधरी, अजय गुर्जर, भरत गुर्जर, हेड कांस्टेबल सतीश रामचरण आदि मौजूद रहे। श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा एरिया डोमिनेंस विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मन थानाधिकारी द्वारा टीमें गठित की गई। उन टीमों के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत, एक्साइज एक्ट के तहत विशेष कार्रवाई की गई, जिसमें आर्म्स एक्ट में एक मुलजिम गिरफ्तार किया है, अवैध देसी कट्टा और मोटरसाइकिल जब्त की है। एक्साइज एक्ट में लगभग 150 लीटर शराब 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, 3 MLC जब्त किए हैं। इसी दौरान हिंसादी कार्रवाई की गई है, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए अन्य एक्टों में भी कार्रवाई की गई।